हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है मुकाबिल, और आज हम मुकाबिल की 11th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुकाबिल इस वक्त ARY डिजिटल से एयर हो रहा है। उसके प्राइमरी एक्टर्स और कैरेक्टर हैं कुबरा खान, मोहसिन अब्बास हैदर और आसिफ रजा मीर। इसकी जो बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि कुबरा खान का जो कैरेक्टर है, दैट्स द कैरेक्टर ऑफ परीसा, परीसा का 10 साल की उम्र में रेप हो जाता है और वो 10 से 12 साल की तकरीबन उनकी उम्र दिखाई गई है जिसमें उनके साथ ये हादसा होता है। और आसिफ रजा मीर जो कि उनकी मदर के असिस्टेंट होते हैं, दैट्स द गाय ही प्लेज महमूद साहब, जिन्होंने ये ज्यादती उनके साथ की होती है। और कुबरा खान जब बड़ी होती हैं तो वो ये डिसाइड करती हैं कि वो कैसे शख्स से शादी करेंगी जिसको वो अपने आप अपने पास नहीं आने देंगी, अपने आप को हाथ नहीं लगाने देंगी। एंड शी फाइंड्स दिस पर्सन इन महमूद साहब सन, कोइंसिडेंटली। और फिर इस एपिसोड में और पिछले कुछ एपिसोड में हमने ये देखा है कि कैसे उनकी शादी हो गई है, और अब ये क्वेश्चन आ गया है कि नाउ दैट दे आर मैरिड एंड दे काइंड ऑफ लाइक ईच अदर, दैट इज अरमान एंड परीसा लाइक ईच अदर, लेकिन ऑब्वियसली परीसा का जो ये ट्रस्ट इशू है और जो उनका फिजिकल टच से एक इशू है, तो ये कैसे रिजॉल्व होगा। राइटिंग काफी अच्छी है, कहीं कहीं इट डिप्स डाउन एंड ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज 25 एपिसोड्स एक काफी लंबा और एक तवील अरसा होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि लोगों को प्लॉट बनाने में, फिर उसको क्रिएट करने में, फिर उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाने में, और वीक बाय वीक उसको एक ही बेसिक आइडिया को ऑडियंस के लिए फ्रेश रखना कितना डिफिकल्ट होता है। बट इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि ये वीकनेस शायद थोड़ी कम है। हमने ये देखा कि अरमान और परीसा के बीच में जो ये रिलेशनशिप है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है बिकॉज परीसा इज एट दैट पॉइंट वेयर शी इज एबल टू काइंड ऑफ एक्सप्रेस दिस नीड और एक्सप्रेस व्हाट्स गोइंग ऑन विद हर, बिकॉज जहाँ भी उसने जिंदगी में उन को अपने ट्रबल्स और अपने कॉन्टेक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की, वहाँ उन रिश्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने अपने भाई को कोशिश किया बताने के लिए लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। अपनी मदर की ज़िंदगी में उन्होंने कहीं अपने लिए कोई स्पेस नहीं देखी, लेकिन ये शख्स इसके अंदर थोड़ी सी उनको वो एक फ्रेंड और कॉन्फिडेंट वाली थोड़ी बहुत वो एक जगह नज़र आई, क्योंकि एक डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करता है। और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये कि वो उसी परपेट्रेटर का बेटा है, तो ये एक काफ़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है उनके लिए। कैसे ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व होगी ये तो हम आगे जाके एपिसोड्स में देखेंगे, बट राइटिंग के हवाले से कुछ अच्छी बातें मैं ये करती चलूँ कि काफ़ी अच्छे मेटाफोर्स यूज हुए हुए हैं स्विमिंग एंड ड्राउनिंग के हवाले से, कि मैं अकेली थी और मैं अकेली ही गोता खाती रहूँगी, तुम मेरे साथ रहोगे तो डूब जाओगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ वेल रिटन। अलबत्ता ये जो एक बीच में अजीब वगरीब किस्म का तावीज़ वाला चक्कर था वो कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या पॉइंट था और ये क्यों डाला गया। परफॉर्मेंसेज आर नाइस, एवरीबडी इज डन अ रियली नाइस जॉब। कुबरा खान कहीं कहीं जो आपको लगता है कि वो शेकी शिवरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, बट आई थिंक इन दिस एपिसोड या एट दिस पॉइंट इन द प्लॉट यू सी दैट द शेकी शिवरी थिंग काइंड ऑफ वर्क्स फॉर द कैरेक्टर एंड इट काइंड ऑफ वर्क्स इन क्रिएटिंग अ मोर बिलीवेबिलिटी। आपको ज़्यादा यकीन आता है और आपको ज़्यादा उसका कॉन्फ्लिक्ट का अच्छे तरीके से एहसास होता है। सो दैट समथिंग गुड एंड आई थिंक दैट आगे जाके भी वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम द प्लॉट इटसेल्फ, वी कैन एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम मोहसिन अब्बास हैदर हु सो फार डूइंग अ रियली नाइस जॉब इन पोर्ट्रेइंग the character of Arman. Tell me what you think. You can catch a detailed review on patari.pk. This was just a quick review and recap. I'm really liking the storyline so far. Although again, like I keep saying, I hope ke wo end mein rapist ka jo character hai usko zara zyada uske saath zyadti dikhayenge. Uske zyada zyadti to nahi keh sakte, but albatta justice zarur hona chahiye. Usko apne kafir kirdaar tak pahunchna chahiye us jurm karne wale ko, chahe wo koi bhi ho. Aur ye bhi ek important question hai ke kya अरमान जब उनको मालूम होगा, अगर मालूम हुआ तो, कि उनके जो फादर हैं या उनके वालिद हैं जिन्होंने ये हरकत उनकी बीवी के साथ की थी जब वो बच्ची थी, तो क्या वो अपने बाप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो उनके अंदर स्पाइन तो बहुत ज़्यादा दिखाई है, उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा दिखाया है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसके आगे बड़े बड़े बिछ जाते हैं और वीक पड़ जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। यू कैन कैच मी ऑन patari.pk and you can follow us on Twitter and Facebook. The review with Mahavish ke naam se main wahan maujood hoon. Apna bahut bahut khayal rakhiye, take care of yourself, see you next week. Khuda hafiz.